फील आ रही है एकदम वही वृंदावन वाली, क्योंकि आज वामन अवतार भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन भी है। अपने कहानी का ड्रेस जरूर लेंगे, मेरा बहुत मन है, बहुत टाइप की ड्रेस मिल रही गाइस। कि हम द्वारिकाधीश में आ चुके हैं, देख सकते हैं कितनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। द्वारिकाधीश महाराज के मंदिर की जानकारी आपको थोड़ी और देते हैं। महादेव, आप सभी लोगों को एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है द्वारिकाधीश की नगरी, यानी हमारे कान्हा की नगरी, बोल दीजिए राधे राधे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हम अपने साथ ले जाने वाले हैं सोमनाथ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर द्वारिकाधीश की नगरी में। और यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं यहाँ बहुत सारे होटल्स ऑप्शन है, 2500-3000-2000 में आपको बहुत से होटल्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। और 700-800-500 में आपको धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि हमेशा यहाँ कम से कम रेट में नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेवल्स के लोग आते रहते हैं, तो बहुत ही कम दामों में आपको यहाँ पर रूम्स नहीं मिलने वाले। मैं पहले आपको शुरू कर दूँ, रूम बहुत महंगे हैं, क्योंकि हमने जो रूम लिया ये रूम हमारा 3200 का होने वाला हुआ है, तो रूम काफ़ी महंगे हैं और कई रूम देखा हम लोगों ने, उसके बाद ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर रूम का स्टार्टिंग ही 2000 से स्टार्टिंग होता है, और आप सीजन में आते तो और भी महंगे मिलने वाले हैं। दूसरी बात ये है गाइस, हम लोग जब 250 किलोमीटर दूरी करके आए तो वहाँ से सोमनाथ मंदिर के बाहर से हमको ट्रेवल्स की काफ़ी बसें मिलती है, जो कि 200-250 में अच्छी अच्छी बसें आपको यहाँ तक 8 घंटे के टाइम में लेकर के आ जाएंगी। तो यहाँ हम लोग हो गए सज के तैयार, और बस अब निकलने की तैयारी है दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए अपने द्वारिकाधीश की। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, वीडियो बना सीखिए, देखिए वीडियो बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। दर्शन आप करेंगे हमारे मोहन मुरारी के, भाई दर्शन करवाते हैं। गाइस, नीचे उतर चुके हैं हम, और बस यहाँ ये लगभग 10 मिनट की दूरी वॉक टाइम पर ही हमारे द्वारिकाधीश का मंदिर। देखिए यहाँ सारी लेडीज एकदम एक रंग की तैयार हो चुकी है, राधे 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 राधे। हम निकलने वाले हैं यहाँ से, तो सुबह के 10 बज रहे हैं और मंदिर आई थिंक 12 बजे बंद हो जाता है, तो उसके पैर दर्शन हमें कर लेने हैं और फिर हम जाएंगे यहाँ से नागेश्वर महादेव मंदिर भी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो स्किप के देखना है, थोड़ा टाइम और प्यार हम पर दिखाते रहिए। देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको जिस होटल में बाहर हम खड़े हैं, ये होटल शक्ति, और बस यहीं से हमें 10 मिनट के वॉक टाइम पर ये मंदिर भगवान जी का मिल जाएगा। जी चलते हैं, और आप सभी को राधे 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 राधे। देख सकते हैं कि हम द्वारिकाधीश में आ चुके हैं, और ये देखिए गाइस यहाँ काफी सारी बड़ी बड़ी मार्केट है, और मुझे फील आ रही है एकदम वही वृंदावन वाली, कि हर यहाँ पर चनिया चोली बिक रहा है, हर जगह यहाँ पर लहंगा टाइप के कपड़े मिल रहे हैं, मतलब पूरे कलरफुल कपड़े मिल रहे हैं गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हम वृंदावन पहुँच ही गए हैं, बहुत ही प्यारी जगह है और काफ़ी डेवलपमेंट जगह भी ये है गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत सी दुकानें हैं जो कि एकदम रंग बिरंगी चीज़ें भरी पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल्स वाले बहुत ज़्यादा महंगे हैं। द्वारिकाधीश का मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रंग बिरंगी सी चीज़ें मिल रही हैं, पूरी वृंदावन वाली फील आपको आने वाली है। ये देखिए पूरा ही मुरली मनोहर का पूरा ड्रेस, उनके कपड़े, उनके सारे ही परिधान यहाँ मिल रहे हैं। और गाइस ये रहे हमारे बाबा, देखिए ये है द्वारिकाधीश, तो बोल दीजिए आप सभी राधे राधे। बोलो राधे 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 कर दो, राधे 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 राधे। देख सकते यहाँ पे यहीं पर आपको अपने सारे ही सारी चीजें रखनी होंगी। भैया भैया राधे 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 राधे। माला लो दूसरी माला, अंदर ही मिले दूसरी मतलब माला। और भीड़ देखिए आज गाइस, आज संडे का दिन है इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ भी है, वैसे भीड़ तो हमेशा ही रहती है इस नगरी में, कि ये हमारे बाकी बिहारी का मंदिर है, लेकिन क्या है कि आज संडे दिन आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हमारे जो मनमोहन थे वो
अपने पूरी यही पर अपने उन्होंने गाइस मंदिर के अंदर कोई भी गैजेट अलाउ नहीं है, तो हमें भी अपना मोबाइल से सारी चीजें यहीं रखनी होगी। तो तुमने देखते कहाँ और नजदीक लग सकते हैं, थोड़ा सा और कैप्चर कर ले आपको दिखाने के लिए कि हमारे मंदिर कैसा है। हमारे द्वारिकाधीश का, हमारे मुरली मनोहर का, कहा जाता है कि मथुरा के बाद द्वारिकाधीश यहीं पे आ गए थे। द्वारका में नगरी उन्होंने बना ली थी और यहीं पर अपनी पूरा ही अपना जीवन बिताया। आइए दर्शन कराते हैं आपको द्वारिकाधीश की, उसे प्रेम से कर दीजिए राधे राधे। प्रसाद मिल रहा है, इस तरह का प्रसाद यहाँ मिलता है। और गाइस देखिए कुछ इस तरह का माहौल है मंदिर के बाहर हमारे मुरली मनोहर का। यहाँ बहुत सारी चीजें आपको पूजा प्रसाद की, परिधानों की, देखिए काफी अच्छे से हमारे हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है मंदिर प्रांगण के बाहर, क्योंकि आज वामन अवतार भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन भी है, तो इस वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं कितनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ देख सकते ये लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर की, यहीं से आपको लाइन लगानी होगी और यहीं बाहर आपको पूजा प्रसाद की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बस यहीं से आपको लाइन लगानी है। ये आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, यही बैरिकेडिंग को आपको अंदर से जाना होगा। सुगैश चलते हैं और थोड़ा सा आपको आगे और भी जानकारी देते हैं, द्वारिकाधीश महाराज के मंदिर की जानकारी आपको थोड़ी और देते हैं। जिस दिन हम मंदिर में गए थे उस दिन वामन अवतार भगवान श्री कृष्ण की जयंती थी, जिसकी वजह से बहुत ही भीड़ थी मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर दूर दूर तक मोबाइल की कहीं भी अनुमति नहीं है। बहुत कोशिश की हमने कि मोबाइल ले जा सकें, बहुत बातचीत की लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है, मोबाइल के कोई बेल्ट तक अलाउ अंदर नहीं है। तो कुछ इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी आपको मंदिर के अंदर। और ये दर्शन करिए भगवान श्री कृष्ण की ध्वजा का, कहते हैं 5 बार ध्वजा बदली जाती है दिन भर में। जी हाँ, 5 बार ध्वजा बदली जाती है। और कहते हैं ध्वजा दर्शन अगर आप लोगों ने कर लिए, समझिए आप द्वारिकाधीश के ही दर्शन कर लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है द्वारिकाधीश की नगरी का। और देख सकते हैं यहीं पर मोबाइल आपको जमा कर देने हैं। और बहुत तेज़ धूप थी यहाँ, गर्मी बहुत प्रचंड तरीके से पड़ रही थी, तो हमने बहुत ज़्यादा शूट भी हम नहीं कर पाए। और ये कुछ मार्केट में आपको दिखा रही हूँ। गाइस दर्शन करके हम निकल चुके हैं बाहर और मंदिर के अंदर मोबाइल की कोई भी एंट्री नहीं है। यहाँ पर दो जगह चेकिंग होगी। सो गाइस शाम का वक्त था, फिर से हम निकल चुके हैं एक और डेस्टिनेशन पे और ये पूरा मार्केट घूमने वाले हैं। तो पहले हमने चाट से ट्राई किया, तो चाट खाया हमने, यहाँ का गप्पा ट्राई किया। गुलगप्पा मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब यहाँ पे आलू का चोखा और रंग वाले पानी डाल करके गुलगप्पा खिलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। आप कह सकते हो बस ऐसे ही हाँ हाँ मैंने कर दिया, अच्छा अच्छा, खाने को ख़राब नहीं बोलना चाहिए, तो बस ठीक ठाक लगा, कुछ खास नहीं लगा। और ये देखिए गाइस ये है पूरा मार्केट जो कि आप देख सकते हैं। मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फैशनेबल चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी, मतलब चीज़ें काफ़ी थी और काफ़ी मिल रही थी। और निकले हैं पूरा द्वारिका एक्सप्लोर करने के लिए, कौन कौन सी मार्केट्स यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी अच्छी मार्केट्स यहाँ पर है। और तो बना सकते मुझे फील आ रही है यहाँ आने के बाद से, काफी अच्छी चीजें मिल रही हैं। यही होता है ना, जहाँ अगर कुछ दिख जाए कपड़े आइटम ज्वेलरी आइटम तो बस मन मचल जाता है, जितना भी क्यों ना हो रही कम लगता है हमेशा ही। तो हम चल रहे हैं थोड़ा सा घाट पर और यहाँ कुछ चीजों को और एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या चीजें यहाँ पे और मिल रही है। मंदिर द्वारिकाधीश का दर्शन करिए आप, द्वारिकाधीश के ध्वजा के देख सकते हैं मंदिर के बिल्कुल सामने ही और बहुत सजा हुआ मार्केट है, बहुत भरी भरी दुकानें सारी है और काफी अच्छी मार्केट भी है। तो सारी फेस्टिवल चीजें यहाँ मिल रही है, कपड़े गहने और भगवान जी के सामान सारी चीजें मिल रही है। हम चल रहे हैं यहाँ थोड़ी सी घाट का आनंद लेने के लिए, यहाँ समुद्र तट के पास थोड़ा आनंद लेने के लिए। भाई आपको भी चलते हैं, मेरा मन मारा ज्यादा सामानों की तरफ, आपने भी गौर किया होगा। सुदामा सेतु और अभी हम इसी के ऊपर जाने वाले हैं, देखिए और एकदम पूरा मार्केट वाला फील आने वाला है। यहाँ पे देखते हैं कितनी भरी हुई दुकानें हैं, काफी बड़ी और काफी अच्छी दुकानें हैं।
हम कुछ ले ना ले अपने कहाँ जी का ड्रेस जरूर लेंगे, मैं बहुत मने है, बहुत टाइप की ड्रेस मिल रही गाइस। फिर जल्दी दिखाते हैं आपको सुदामा सेतु कैसा है यहाँ का, काफी काफी ज्यादा यहाँ फेमस सेतु है। यहाँ पर बहुत तरह के शंख मिल रहे हैं। सुदामा सेतु बहुत नाम सुनते इस ब्रिज का कि काफी बड़ा ब्रिज है, काफी अच्छा ब्रिज है, पर हम इस ब्रिज पर जा नहीं पाए क्योंकि ये ब्रिज एक साल के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों ये बात बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग, सुदामा सेतु एक साल के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन वाला कार्य। तो देखिए नाउम्मीद होकर के हम लोग को वापस लौटना पड़ा, पर फिर भी झूठी हंसी लेकर के थोड़ा सा मस्ती मन में लेकर के जो भी था हमने उनका इंजॉय किया। और यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर ध्वजा को बदला जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको पहले वीडियो में कि यहाँ पर ध्वजा को चेंज किया जाता है, तो यहाँ 5 बार ध्वजा बदली जा रही है। ये आप देखते हैं यहाँ ध्वजा बदली का कार्य ही चल रहा है। तो आगे आप देखिए गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समुद्र से निकलती है, सीप है, मोती, सब चीज़ें मिल रही थी, शंख वगैरह, तो जो कि हमने एक्सप्लोर किया था। मैं मार्केट आपको दिखा रही हूँ कैसी मार्केट यहाँ की लगती है, बिल्कुल बनारस वाली मुझे फील आ रही थी देखने के बाद से। और ये देखिए धीरे धीरे रात हो आई थी, मतलब कि शाम का वक्त गए थे, रात धीरे हो चुकी थी तो भूख भी लगाई थी हमने, फिर भी यहाँ पर पूरी मस्ती की हम लोगों ने। और ये फिर से दिखा रही हूँ सुदामा सेतु है, आप लोग देख लीजिए ये सेतु अभी बंद कर दिया गया, जाने आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए गाइस थोड़ा सा हम अपने बावलेपन को दिखा रहे हैं आपको, रील्स बनवा रहे हैं, बहुत ही मज़ा ले रहे थे यहाँ ही पर, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर ऊट राइडिंग भी है, मतलब मुझे पूरी बनारस वाली विश्वनाथ गली वाली फील मुझे यहाँ पे हो रही थी। और यहाँ जो जो चीज़ें थी मुझे काफ़ी लुभा रही थी, मन के एक नहीं चार ले जाएँ क्योंकि काफ़ी अच्छी वेराइटी थी। और ये देखिए मुझे मेन जो आकर्षक का केंद्र लगा वो लगा मैं भगवान जी की प्यारी प्यारी सी मूर्ति का।